उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नित नई नई तकनीक अपना रही है और अपने माथहतों को किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर रही है। लेकिन योगी सरकार के मंसूबों पर उनके माथहत पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं, जिनके कंधों पर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी डाली गई है। ताजा मामला जनपद जौनपुर के सिरकोनी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय भुआला पट्टी में कूटरचित तरीकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही एक शिक्षिका साधना चतुर्वेदी का है, जिसकी सबूतों के साथ शिकायत की गई है। लेकिन अब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर की तरफ से कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि शिकायत पत्र के साथ लगाए गए सभी एविडेंस इतने ठोस हैं, जिनके संज्ञान में आने के बाद तत्काल निलंबन करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन संबंधित अध्यापिका के पिता की दबंगई हनक और शिक्षा माफियाओं के दबाव के चलते बीएससी जौनपुर महोदय जौनपुर द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं आरोपी का सहकर्मी विनोद चौबे की सुपुत्री साधना चतुर्वेदी पर उनकी नियुक्ति से ही शिक्षा विभाग जौनपुर की महान कृपा बरसती नजर आ रही है, जिसके तहत सालों साल स्कूल न जाने पर भी उन्हें बकाए के रूप में पूरी सैलरी देना, प्रमोशन छोड़ने के वर्ष भर बाद ही सिंगल प्रमोशन आदेश के द्वारा उन्हें पदोन्नति देकर बिना रिक्ति वाले विद्यालय में पदस्थापित करना, पदोन्नति देने के बाद चयन वेत नाम मान के लाभ से लाभान्वित करना, विद्यालय उपस्थिति होने और शिक्षण कार्य की बाध्यता से मुक्त रखना इत्यादि तमाम ऐसे उपकार हैं जो विभाग द्वारा लगातार उन पर किए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक है। जब इस मामले में बीएससी से जानकारी करनी चाहिए तो कुछ ना बोलते हुए बीएससी साफ साफ कन्नी काटते नजर आए। जौनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 1 इंडिया न्यूज़।